हल्की फुल्की भूख को मिटाने के लिए आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ रोस्टेड पोहा नमकीन की रेसिपी। पोहा नमकीन बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी बनकर के तैयार होता है, तो चाहे चाय का टाइम हो या फिर लॉन्ग जर्नी हो या छोटी छोटी भूख को मिटाने के लिए इस पोहा नमकीन को जरूर ट्राई करें, सबको काफी पसंद आएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप इसे ज्यादा क्वांटिटी में बना के स्टोर करके एक हफ्ता तक यूज कर सकते हैं। तो मैं हूँ सोमा, आपका स्वागत है सोमास किचन में। चलिए आज की बहुत ही मजेदार रोस्टेड पोहा नमकीन को बनाना स्टार्ट करते हैं। पोहा नमकीन बनाने के लिए यहाँ पे मैं पतले वाले पोहे का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके पास जिस टाइप के पोहे अवेलेबल हो आप उसे ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक कढ़ाई को गरम कर लेंगे। कढ़ाई के गरम होते ही इसमें हम ऐड करेंगे पोहा। तो पोहा को ऐड करने के पहले इसे धोना नहीं है, इसे सूखा ही हम इसमें ऐड करेंगे और गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और इसे क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। तो लगभग 5 से 6 मिनट तक इसे हम फ्राई करेंगे। पोहा को पहले आप जितने अच्छे से क्रिस्पी फ्राई करेंगे पोहा नमकीन खाने में उतना ही टेस्टी लगता है। तो इस बात का आप ध्यान रखें, पहले ही पोहे को अच्छे से फ्राई कर लें। पोहा भी बहुत सारे वैरायटी के होते हैं, तो आप जिस टाइप के पोहे का यूज करें उसी हिसाब से आप इसे क्रिस्पी फ्राई कर लें। तो पोहा को फ्राई करते हुए 5 मिनट हो चुका है और पोहा भी बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी फ्राई होके तैयार है। अब हम चलते पोहा नमकीन बनाने की ओर, जिसके लिए हम एक कढ़ाई को गरम कर लेंगे। कढ़ाई के गरम होते ही इसमें हम ऐड करेंगे 3-4 टेबलस्पून ऑयल। तो यहाँ पे कोई भी फ्लेवर वाला ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना है, रिफाइंड ऑयल हो तो ज्यादा अच्छा है। जब तेल अच्छे से गरम हो जाए तो इसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून जीरा। जीरा को अच्छे से चटकने तक फ्राई कर लेंगे। तो जैसे जीरा फ्राई हो जाए इसमें हम ऐड करेंगे 25 ग्राम मूंगफली। अब मूंगफली को कुछ सेकंड्स के लिए फ्राई कर लेंगे। इसे हल्का फ्राई करेंगे ताकि मूंगफली क्रंची हो जाए। जैसे मूंगफली हल्का फ्राई हो जाए इसमें हम ऐड करेंगे 25 ग्राम काजू। तो काजू को मैं यहाँ पे क्रश करके ऐड कर रही हूँ। साथ में इसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून चना दाल। आप चाहे तो चना दाल को स्किप भी कर सकते हैं। अब सारी चीजों को हम 1 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। तो सारी चीजों को फ्राई करते हुए 1 मिनट हो चुका है, बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुका है। आप देख सकते हैं काजू का कलर भी चेंज हो चुका है। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 कप ड्राई कोकोनट। अब सूखा हुआ नारियल ऐड करने के बाद इसे आधे मिनट तक के लिए फ्राई कर लेंगे। तो ये होममेड ड्राई कोकोनट है, इसे बनाना बहुत ही आसान है। अगर आपके पास रेडीमेड ड्राई कोकोनट हो तो आप उसे यूज कर सकते हैं और अगर ना हो तो आप इसे घर पे बना सकते हैं। बस कच्चे नारियल को स्लाइसेस में कट कर लीजिए और इसे सूखी कढ़ाई में 5 से 10 मिनट तक के लिए भून लीजिए। तो आधे मिनट बाद इसमें हम ऐड करेंगे 8 से 10 कड़ी पत्ता और साथ में 2 कटा हुआ हरी मिर्च। आपको ज्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप ज्यादा ऐड कर सकते हैं। करी पत्ता और हरी मिर्च को क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। तो अक्सर करी पत्ता को पहले यूज किया जाता है, लेकिन इसमें हम करी पत्ता को बाद में यूज करें। अगर करी पत्ता को तेल में पहले ऐड करेंगे तो सारी चीजों को फ्राई करते हुए करी पत्ता का कलर भी निकल जाता है और टेस्ट भी नहीं आता है, तो इसलिए इसे हम बाद में ऐड करेंगे। तो अब इसमें हम ऐड करेंगे ड्राई मसाला, तो स्वाद अनुसार नमक और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। तो हल्दी पाउडर इसमें बहुत ज्यादा यूज नहीं करना है, बस थोड़ा सा ही यूज करें। अब सारी चीजों के साथ हल्दी और नमक को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब हल्दी नमक अच्छे से मिक्स हो जाए तो इसमें हम ऐड करेंगे रोस्टेड पोहा और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम यहाँ पे हम मीडियम ही रखेंगे और पोहा के साथ सारी चीजों को 2 मिनट तक और फ्राई कर लेंगे। तो इस स्टेज में पोहा को ज्यादा फ्राई करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हम पोहा को पहले ही अच्छे से क्रिस्पी फ्राई कर चुके हैं। बस अच्छे से मिक्स करेंगे और 2 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। तो पोहा को फ्राई करते हुए 2 मिनट हो चुका है। अब लास्ट में इसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून शुगर पाउडर। आप शुगर पाउडर के जगह नॉर्मल शुगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉर्मल शुगर को मिक्स करने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन अगर आप शुगर पाउडर का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही जल्दी ये मिक्स हो जाती है और बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है। तो इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और गैस को हम बंद कर लेंगे। अब गैस से इसे हटा लेते हैं और इसे हम सर्व कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं बहुत ही क्रिस्पी पोहा नमकीन हमारा बन करके तैयार है। तो आपने देखा ही ये पोहा नमकीन को बनाना कितना आसान है, बस 10 से 15 मिनट में बना के आप इसे तैयार कर सकते हैं। और कभी लॉन्ग जर्नी पे जा रहे तो इस रेसिपी को बना के ले जा सकते हैं और आप इसे स्टोर करके एक हफ्ता तक यूज कर सकते हैं। तो आप इस प्रोसेस से पोहा नमकीन बना के जरूर ट्राई करें, सबको काफी पसंद आएगा। अब मैं इसे आपको हाथ से भी क्रश करके दिखा रही हूँ कि कितना ज्यादा क्रिस्पी बना है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी बन करके तैयार हुआ है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।